हेलो गाइस, वेलकम टू बैंक बी। इस वीडियो में हम 19 और 20 अप्रैल के डेली जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स हैज फोरकास्टेड इंडियाज ग्रोथ फॉर द फिस्कल ईयर 2021 टू डैश परसेंटेज। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने इंडिया की फिस्कल 2021 में कितने परसेंट ग्रोथ फॉरकास्ट की है? इसका सही जवाब है सी, 1.8%। साथ साथ हम ये भी जान लेते हैं कि फिच ने इंडिया की फिस्कल ईयर 2021 में 1.8% ग्रोथ फॉरकास्ट की है, मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने 2.5%, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 4% फॉरकास्ट की है। आपको कमेंट करके ये बताना है कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की फिस्कल ईयर 2021 में कितने परसेंट ग्रोथ फॉरकास्ट की है। अगर आप ये सीरीज ध्यान से देख रहे हैं तो आप ये क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से दे पाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम फर्स्ट स्टेट टू जियोटैग कम्युनिटी किचन्स। कौन सा स्टेट पहला स्टेट बन गया है जिसने कम्युनिटी किचन्स का जियोटैगिंग शुरू कर दी है? इसका सही जवाब है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने गूगल के साथ मिलकर जियोटैगिंग करनी शुरू की है कम्युनिटी किचन्स की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कंस्ट्रक्टेड ब्रिज ओवर डैश रिवर इन अरुणाचल प्रदेश इन ए रिकॉर्ड स्पैन ऑफ जस्ट 27 डेज। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अरुणाचल प्रदेश में 27 डेज में एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया है और हमें ये बताना है कि कौन सी रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया है। इसका सही जवाब है डी, सुबानसिरी। ये ब्रिज इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि LAC तक जाने वाली जितनी भी रोड्स है ये उन्हें लिंक करता है। इस क्वेश्चन में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, अरुणाचल प्रदेश, 27 डेज, सुबानसिरी रिवर, ये चारों चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट वर्ल्ड लीवर डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली। वर्ल्ड लीवर डे कौन से डेट को मनाया जाता है? इसका सही जवाब है सी, 19 अप्रैल। 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे मनाया जाता है जिसकी थीम इस साल थी गेट प्लस इन्वॉल्व। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है जिसकी थीम थी शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और 20 अप्रैल को UN चाइनीज लैंग्वेज डे मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ऑथर लुइस सेपुलवेडा डाइज ऑफ कोविड-19, ही बिलोंग्ड फ्रॉम विच कंट्री। लुइस सेपुलवेडा जिनकी कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गई है वो कौन सी कंट्री से थे? इसका सही जवाब है सी, चिली। वे रहते स्पेन में थे और उनकी सबसे फेमस बुक का नाम था द ओल्ड मैन हु रीड लव स्टोरीज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन डाइच एन ऑस्कर विनिंग इलस्ट्रेटर, एनिमेटर, फिल्म डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज डाइड, व्हाट वाज हिज नेशनलिटी। जीन डाइच जो कि एक इलस्ट्रेटर, एनिमेटर, फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर थे, उनका निधन हो गया है, वो उनकी नागरिकता क्या थी? इसका सही जवाब है बी, अमेरिकन। वो एक अमेरिकन थे और उन्होंने टॉम एंड जेरी और पोपाई द सेलर के कुछ एपिसोड्स डायरेक्ट किए हुए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट यूटी विल ऑर्गेनाइज कॉम्पिटिशन अंडर द थीम एक्टिविटी कोरोना टू कीप चिल्ड्रन एंगेज ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। एक्टिविटी कोरोना कॉम्पिटिशन कौन सा स्टेट या फिर यूटी ऑर्गेनाइज करेगा ताकि जो बच्चे हैं वो लॉकडाउन के पीरियड में एंगेज रह सके? इसका सही जवाब है बी, ले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो हैज क्रिएटेड टीम मास्क फोर्स टू प्रमोट वेयरिंग मास्क इन पब्लिक प्लेसेस एंड हेल्प इन द फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक। टीम मास्क फोर्स किसने क्रिएट किया है ताकि जो पब्लिक है वो पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहन के जाए? इसका सही जवाब है बी, BCCI। BCCI ने PM केयर्स फंड में 51 करोड़ रुपए दिए थे। PM केयर्स फंड का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन एमरजेंसी सिचुएशंस फंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक इन पार्टनरशिप विद डैश अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम इन बांग्लादेश। फेसबुक ने किसके साथ पार्टनरशिप करके बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग सिस्टम लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है सी, बूम। बूम एक इंडियन फैक्ट चेकिंग वेबसाइट है जो कि इंग्लिश, हिंदी और बंगाली में भी अवेलेबल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी टू प्रेजिडेंट रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद के नए सेक्रेटरी किसे चुना गया है? इसका सही जवाब है बी, कपिल देव त्रिपाठी। कल के वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि नाबार्ड, SIDBI और NHB के हेडक्वार्टर्स कहाँ कहाँ पे है। इसके सही जवाब है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई में है, SIDBI का हेडक्वार्टर लखनऊ में है
और एनएचबी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको डेली जीके से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जानने हैं तो बैंक भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।